हौसला अफजाई करो यार प्लीज, बहुत मेहनत से अपने ब्लॉग शुरू करते हैं तो प्लीज 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 आप हौसला। क्या चाहिए आपको बेटा? माने तुमने करेले की सब्जी कैसे बना दी यार? गुड बेटा गुड, वेरी गुड, ऐसे खाते हैं। अरे तो ज्यादा मत डालिए, सॉरी मुझे पहले बोल देना था ना, वो बोनलेस का तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर टिक्का वगैरह बना क्या? क्यों मम्मा मम्मा क्यों चलते? हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वसीम रहमान ऑफिशियल में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, सुबह के बज रहे हैं 9 और बस, और चाय भी तैयार है तो बस अपन अभी चाय पीते हैं। और मैं जब अब थोड़ा सा देर से उठी हूँ क्योंकि मौसम अच्छा, ठंडी ठंडी हवा, आराम से उन्होंने आज पूरा मौसम इंजॉय किया, तो बस अभी अपन चाय पीते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, तो चलते हैं। अरे उसमें पैर नहीं रखते बेटा, पैर फंस जाएगा। साथियों मना करते हैं ना, उसमें मत रखा करो, उस तरीके से अंदर मत डाला करो। ये लो पहले पानी। क्या चाहिए आपको बेटा? पहले अपना खाना आ खाई। ये तुम्हें कैसा लगा? मुझे ठीक लगा खाने में, सिर्फ उसमें तिल लग जाने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जो मतलब जैसी उम्मीदें थी कि जैसा ये होगा वैसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। ये ब्राउन ब्रेड के नाम पे लाते हैं, ये ब्राउन ब्रेड होता है? नहीं वैसे, लेकिन ये ब्राउन ब्रेड नहीं था। ये व्हाइट ब्रेड ही है, ये ब्राउन ब्रेड नहीं था। जी यस, लिखा है तब लग रहा मैं फॉल्स हो गया फिर। क्या पता अबू यार, जो मिल जाए जैसा भी हो, अब क्या करें। दरअसल मुंबई में लोग पैकेट खाना खाने के लिए मजबूर हैं, कुछ खाने ऐसे हैं कि जो सभी लोग पैकेट में खाता है, ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गया और तमाम चीज़ें, लेकिन हम क्या, ये ब्रेड हर जगह है पैकेट का ही, लेकिन मैं लेकिन नहीं मुंबई का मैं, लेकिन उस पर बोल रहा हूँ कि हम दूध भी पैकेट का, दही भी पैकेट का, और अब तो वेजिटेबल्स भी पैकेट में आ रहे हैं, जैसे लहसुन वगैरह बहुत तमाम चीज़ें, कोरिएंडर वगैरह सब पैकेट में आ रहे हैं। हाँ मतलब कि ऐसा पैकेट में आ रहा है, हम रियल बता रहे हैं। हाँ हाँ, हमने देखा है कि बस उसको सिर्फ कढ़ाई में उजलो और जरी से पानी डालो और बस वो 15 मिनट में तैयार, जैसे पनीर मटर मसाला जो दाल मखनी ये सब हम देख रहे हैं पैकेट में सूखा आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि और सब शहरों में तो खैर ठीक है कि वेजिटेबल्स वगैरह, ब्रेड यहाँ तक तो खैर ठीक है कि ब्रेड वगैरह लोग पैकेट में ले लेते हैं, पैकेट बिस्किट वगैरह नमी मुंबई शहर में, और जितनी भी मेट्रो सिटी है मुंबई और मेट्रो सिटी में, मतलब ये हाल है कि हम लोग दूध दही हर चीज़ पैकेट पे आ गए हैं, और क्वालिटी क्या है तो भाई अब जो वो लोग खिला दें हम वो लोग खा लेते हैं, क्या करना, हर आदमी मजबूर है पैकेट वाला खाना खाने के लिए। तो बाबू को अब ना दूध पैकेट ही वाला सूट करता है, जब कभी आप स्टोर खत्म हो जाता है और कभी वो खुला वाला ला देते हैं तो वो इसको सूट नहीं करता, नहीं पीती है, पता नहीं क्या कहती है, वाह गंदा है, वाह ऐसे ऐसे करती है, इसको पैकेट का ही पीने की आदत हो गई। पहले लोग चक्की में जाकर गेहूं वगैरह पिसाकर खाते थे, और अभी खैर ऐसा है कि जैसा जो आटा मिला वो भी खा लिया, लेकिन अभी हम लोगों ने भी चक्की से आटा मिलाना शुरू कर दिया है। यस ओके ठीक है ठीक है, मैं उमैसा बाबू के साथ उमैसा।
का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद। आए बहने आए थम राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो। हेलो गाइस, तो मैं बस अभी जस्ट घर पहुंच रहा हूँ अपने वर्क से, और इतनी तेज बारिश होने लगी कि शवानी को मैसेज भी आया कि मुझे कुछ सामान लेकर आना है, वेजिटेबल्स लेकर आना है, तो मैं बस मार्केट नहीं जा पाया था। तो मुझे जितना जो समझ में अभी सामान ले ही रहा था, तो इतनी तेज बारिश हुई कि मैं आधा अधूरा सामान लेकर भागा हूँ जो घर पे फटाफट फटाफट। तो बस अभी घर पे और बस पहुंचा, नहाया, बस अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश में सारे कपड़े गीले। और बस और यहाँ पर रात के खाने की तैयारी चल रही है। खीरा बहुत ज़्यादातर सूखा ही रहता है, बहुत कम ही फ्रेश अच्छा निकलता है। बट अभी नेक्स्ट टाइम से मुझे छाता दो, ठीक है? मैं छाता लेकर नहीं गया था ताकि मैं, और मेरे पास अगर अम्ब्रेला उस टाइम पे होता तो मैं थोड़ा शूट भी करता कि कैसी तेज की बारिश हो रही, कितने लोगों के छाते, हाँ छाते से ज़्यादा कितने लोगों के छाते उल्टे हो गए हैं ऐसे। तो वो जो ऐसे वाला छाता जब ऐसे हो जाता ना, ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फजीहत हो गई। छोटा छाता चलता ही नहीं है, और यहाँ पे छोटी वाली छतरी नहीं चाहिए भाई, बड़े वाले छाते चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आधा तंबू हो गया वो। तो खैर अपने ही और बंद करो तो लगता है दादाजी का लाठी। हाँ वो से भी अजीब तब होता है जब लोग बोलते हैं, अरे क्या हुआ आपका छाता उल्टा हो गया भाई। ये मेरा यूज कर लीजिए। देख रहे हो इतनी तेज की आंधी है, अब ये वाले अम्ब्रेला ऐसे हो जाए, मेरे नहीं हुए थे बट होता है तो बहुत अजीब लगता है। खाने के भी खाने का वक्त है लेकिन ड्रामे बहुत हैं, कभी कभी उमैसा बाबू के, कभी उमैसा बाबू के मम्मा के। ये करेले की सब्जी कैसी हो गई है? ये क्या है शुभाना, तुमने करेले की सब्जी कैसी बना दी यार? त्राम ज्यादा वो करेले की सब्जी दिख रही है। तो क्या है ये, करेले ही तो है। सारी दुनिया में ना नेनुआ वैसे ही होता है। गलका पता नहीं, गलकी गलका जी, बड़ी मालूम गलकी गलका। खाते हैं गाइस, खाने के बाद फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। दाल रोटी गलके गलकी की सब्जी बोले तो नेनुआ तुरुई जो भी बोल ले उसको, तुरुई अलग होता है, तुरुई हाँ वो खुरदुरा होता है, उसके स्किन में मतलब जो डिजीज प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम खुरदुरा सा, उसको प्रॉपर खाद नहीं मिलता क्या देगा। ये खाइए, ये गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, ऐसे खाते हैं। आओ चलो चलते हैं, चलो चलो कम 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 आओ, ये लो अम्ब्रेला, लो अम्ब्रेला ले लो। हाँ तो अभी क्या है, बारिश हो रही है। ओके तो चलो आ जाओ मेरे पास, आओ आओ चलो उतरो उतरो चलो उतरो। क्या हुआ क्या हुआ? अरे तुम कहाँ खो गई? छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया। क्या क्यों मम्मा मम्मा क्यों चलते हैं बेटा? ये बारिश हो रही है ना, तो बारिश तो होती रहेगी ना। तो गाइस जब से बारिश के दिन आए तो मैजा बाबू आज पहली बार नीचे उतरी हैं और इनको बारिश को देखकर डर लग रहा है, बट मैं यहाँ पे इनके लिए छाता अम्ब्रेला लेकर खड़ा हूँ, लेकिन ये कह रही कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे वापस मम्मा के पास जाना है। तो ये ले लो चलो अम्ब्रेला। क्यों नहीं चाहिए अम्ब्रेला? क्यों नहीं चाहिए अम्ब्रेला? वही अच्छा ठीक है,
चले तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे गोद में उठा कर ही लेके जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। फिर वापस आने के बाद मुलाकात होगी आप लोगों से। तो गाइस अभी हम लोग स्टोर में आ गए हैं और उमैज़ा बाबू जब भी स्टोर में आती है तो इनको थोड़ा सा इधर वॉक करना होता है, घूमना होता है। तो मैं ये पीछे पीछे मैं आगे हूँ। मेरी बेटी रोने लगी। चलो अब लेट्स गो मम्मा, चलो मम्मा चलते। मैं पहुंच गया हूं भीगते भागते घर। जब भी मैं छाता लेकर जाता हूं तो बारिश नहीं होती है, जब छाता छोड़ कर जाता हूं तो बारिश होती है। और मुझे आज एक घंटे मुझे बारिश ने रोक कर रखा क्योंकि मेरे पास छाता नहीं था। तो बस मैं थोड़ी देर पहले घर पहुंचा, कपड़े पे चेंज किया और बस उसके बाद शबाना से बातचीत हमेशा की तरह। तो शबाना भी यहाँ पर। कल आइसक्रीम आइसक्रीम अभी चॉकलेट चॉकलेट खाया ना आपने? ओके ठीक है। तो भाई बेटी से बाहर से आने के बाद बाप बेटी मिल लिए। ओए क्या हुआ, क्या हुआ? मिक्की चाहिए आपको? मम्मा प्लीज गिव मी मिक्की। को भी सांस लेने दिया करो, बख्श दिया करो। बस। और शबाना तुम क्या बना रही हो जरा बताओ मुझे। एक मिनट आपको क्या चाहिए? ये क्या ऑमलेट? क्यों ये ऑमलेट नहीं है, बाबू का छीला है बेसन का। हमेशा की तरह नहीं, काफी दिन बाद बना रहा। और ये क्या है, मतलब कीमा टाइप कुछ? चिकन कीमा बॉलनेस रखे थे ना, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, चिकन मलाई ग्रेवी। सही रोटी से खा लेंगे, चावल नहीं बना रहे। ओके तो इसके साथ चावल नहीं अच्छा लगेगा। यानी ये गुमनाम डिश है ना? गुमनाम नहीं है यार, स्टिक में लगा के उसी को रोस्ट कर देंगे तो टिक्का हो जाएगा। वो हो जाएगा। ओके हम लोगों को खाना है थोड़ा सा रोटी से, तो थोड़ा सा ग्रेवी रख रहे हो। ओह तो चिकन कढ़ाही लेटा टिक्का, खैर जो भी है तुम बना लो यार। शबानों को खाना बनाने देते हैं, इनका जो भी है चिकन टिक्का। और बाबू के लिए छीला। और ठीक है तुम बना लो। चलो शबाना खाना खा लेते हैं यार, बाकी भूख बहुत तेज से लगी है यार। इसमें भी लेमन है बहुत ज़्यादा, खट्टा लगेगा। दही है बहुत ज़्यादा, मत डालिए। पहले बोल देना था। खैर चलो अभी खाना खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि आज सुबह से भी मैं भूखे ही था, कुछ खाया नहीं था मैंने। क्यों? और सुबह क्या, सुबह जो तुमने मुझे ब्रेड अंडे बना के दिए थे बस वही खाया था मैंने। उसके बाद पूरे दिन कहाँ कुछ खाया, बस अभी तो बीच में थोड़ा सा कुछ खा लिया करिए। आप तो लंच भी नहीं लेके जाते हैं जब जाते हैं बाहर, तो मतलब कैसा बना? भूख में जब ऐसा खाना मिले तो जाहिर सी बात है मजा ही आ जाए खाने में, लेकिन मोलने से अच्छा बन गया यार। नहीं तो जब भी तुम शोरबे में डालो या फिर मतलब सालन वगैरह जो भी बनाओ बोनलेस का तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर टिक्का वगैरह बना दो ये सब चीज़ें बना दो तो मतलब मज़ा आ रहा है खाने में, अच्छा है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया हम लोगों का और बहुत लाजवाब खाना था। और चलें इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सभी लोगों से जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक इस ब्लॉग को आप देखें, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करें। और हौसला अफजाई करो यार प्लीज़, बहुत मेहनत से अपने ब्लॉग शुरू करते हैं तो प्लीज़ आप हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।